कर लेते हैं। पाली से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर बेलगाम बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। बजरी खनन की शिकायत करना युवक को भारी पड़ा है। युवक पर माफियाओं ने जानलेवा हमला किया है। पहले पांव तोड़े, फिर चेहरे पर शराब डाली। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। बड़ी खबर मिल रही है पाली से जहां पर बजरी खनन की शिकायत करना एक युवक को इस कदर भारी पड़ा कि युवक पर माफियाओं ने पहले जानलेवा हमला किया, उसके पांव तोड़ दिए, चेहरे पर शराब डाली। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। तो देखिए, यहां पर खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि जब एक युवक ने खनन माफियाओं के खिलाफ शिकायत की तो माफियाओं ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया और पहले उसके पांव तोड़े, फिर चेहरे पर शराब डाली। हालांकि अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर सहयोगी सुभाष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, देखिए, बजरी माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है यहां पर कि जब इनके खिलाफ शिकायत की गई तो युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, तो क्या यही माना जाए, इतना ही खाकी का खौफ है पाली में? बिल्कुल, हौसले इतने बुलंद है कि ये तो अभी इनके ऊपर हमला अटैक होने लगा। इससे पहले तो गाड़ियां चढ़ा करके मार भी चुके हैं, लेकिन खाकी आज तक कुछ नहीं कर पाई है। लेकिन देखा जाए तो एक IRS है घनश्याम सोनी, जिन्होंने ये मुहिम छेड़ रखी है नदियों को बचाने के लिए, उसी टीम का ये हिस्सा था कि पूरी रात रात भर गांव के लोग, गांव के युवक टीम के साथ में नदी और आसपास के क्षेत्र की रखवाली कर रहे थे, सुरक्षा कर रहे थे, कई गाड़ियों को खनन विभाग को पकड़वाया भी था। उसी का ये नतीजा था कि कल रात को उसके ऊपर हमला हुआ है। यहाँ तक कि उसको हादसे का रूप देने के लिए उसके मुंह में शराब भी उड़ेली गई थी, शराब भी गिराई गई थी, लेकिन कितने लोग थे कितने नहीं थे पुलिस अभी भी चुप्पी साध रखी है कि ये लोग कौन थे। सरियों से, लाठियों और तलवारों से उसके ऊपर हमला हुआ था, लेकिन ये चीज और चैलेंज के साथ कहकर गए हैं कि आने वाला समय और भी तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। सुभाष, अमूमन ये तस्वीरें हम लगातार देखते रहे, इससे पहले भी कई ऐसे वाक्य सामने आ चुके हैं कि खनन माफिया जो है लोगों पर हमला करते हैं और जब भी उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है उस पर हमला करते हैं। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि प्रशासन जो है यहाँ पर नाकाम साबित हो रहा है, या ये माना जाए कि यहाँ प्रशासन की मिलीभगत है तभी इनके हौसले इतने बुलंद है? बिल्कुल, बिना प्रशासन और खाकी की मिली भक्ति के इतना बड़ा हौसला इन माफियाओं का हो नहीं सकता था। ये पाली की बात नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर हो रहा है और पाली में पिछले कई वर्षों से देखा जाए तो एक नहीं दर्जनों ऐसे जानलेवा हमले हुए हैं जिसके अंदर कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। ठीक है सुभाष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर मिल रही है, देखिए, पाली से जहां पर बजरी माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि इनके खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उस पर ही हमला कर देते हैं। और ऐसी बानगी पाली में देखने को मिली है जहां पर युवक पर जानलेवा हमला हुआ, उसके मुंह में शराब डाली और उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की तलाश अब जुटी हुई है। और बड़ी